हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभाशीष और मैं आज आप लोगों को वो एजैक्स इनफाइनाइट स्क्रॉल के बारे में बताऊंगा। तो ये एजैक्स इनफाइनाइट स्क्रॉल क्या है? तो मैं अपना लोकली वर्डस्पेस इंस्टॉल किया हुआ है, तो उसके अंदर सेटिंग्स के अंदर जाके मैं रीडिंग मेगा चाहता हूँ। तो देखो ये दिखा रहा है कि ब्लॉग पेजेस शो एट मोस्ट टू पोस्ट, तो मतलब हर पेज में दो पोस्ट करके दिखाएगा। उसके बाद वाला पोस्ट दिखने के लिए हम लोगों को नेक्स्ट पेज में जाना पड़ेगा। तो चलो फ्रंट एंड विजिट करते हैं। फ्रंट एंड अगर जाओगे तो आपको यहाँ पे दोनों ही पोस्ट शो करेगा। फिर आप नेक्स्ट में जब क्लिक करोगे तब पेज लोड होगा और आपको अगला वाला पोस्ट दिखाएगा। फिर उसके बाद में जब क्लिक करोगे तो आपको और पोस्ट दिखाएगा, अगर आपके आपके साइट में पोस्ट है तो। तो मेरा सिर्फ चार ही पोस्ट है। तो एज अ इनफाइनाइट स्क्रॉल ये है कि पेज बिना लोड हुए आपको नेक्स्ट पेज का कंटेंट भी आपको दिखाएगा, ठीक है ना? तो ये है एजैक्स इनफाइनाइट स्क्रॉल। और एक इसका एग्जांपल मान लो कि जब अपना फेसबुक पेज में जाते हो, तो जब आप स्क्रॉल को करते हो ना, तब देखना नीचे एक के बाद एक मतलब पुराना पोस्ट शो करते रहता है ना, पिछला पोस्ट आपका शो करता रहता है। तो वो भी एक तरह का एजैक इनफाइनाइट स्क्रॉल ही है। तो वर्डप्रेस में इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, इस एजैक्स इनफाइनाइट स्क्रॉल को, और कैसे करेंगे मतलब ये? तो ये थोड़ा सा वर्डप्रेस का एडवांस टॉपिक है। तो मैं ये करने के लिए मैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, मतलब नहीं तो आप लोगों को समझने में परेशानी होगी। तो बातें हो गई, अभी काम शुरू करते हैं। तो मैंने अपना वर्डप्रेस इंस्टॉल किया हुआ है, देखो। तो मैं अपना वर्डप्रेस की थीम्स में जाता हूँ और मेरा 2016 थीम है आई गेस, अभी एक्टिवेट किया हुआ है। और यह है मेरा 2016 का डायरेक्टरी, यही है। और यह है मेरा मेन फ्रंट पेज का टेम्पलेट index.php। ओके, सो मैं यहाँ पे एक बटन बनाऊंगा और उस बटन पे क्लिक करने के बाद ये पेज बिना लोड हुए आपको नेक्स्ट पोस्ट दिखाएगा, ठीक है? तो शुरू करते हैं। चलो पहले बटन क्रिएट कर लेता हूँ। पहले एक डिव ले लेता हूँ और डिव का क्लास देता हूँ बटन कंटेनर। और उसके अंदर एक एंकर टैग ले लेता हूँ जिसका क्लास देता है माई बटन। और उसमें और एक क्लास देता हूँ लोड मोर, माई लोड मोर। ओके, ये हो गया हम लोग का बटन का मार्कअप। ओके, इसके अंदर जाके लिख देते हैं लोड मोर। ओके, अभी इस बटन को थोड़ा सा स्टाइलाइज्ड कर लेते हैं, ठीक है ना? तो मैं ये क्लास कॉपी कर लेता हूँ
और style.css में जाता हूँ। style.css में जाके इसको थोड़ा सा स्टाइलाइज कर देते हैं ताकि थोड़ा सा अच्छा दिखे। तो मटन कंटेनर का डिस्प्ले जो है वो ब्लॉक कर देते हैं, जिसका विड्थ 100% दे देते हैं। विड्थ जो है इसको 100% दे देते हैं। ओके, और इसका जो टेक्स्ट लाइन है इसका सेंटर कर देते हैं। सेंटर कर देते हैं उसके बाद जो और एक क्लास था माई बटन बोल के, माई बटन उसका बैकग्राउंड दे देते हैं कुछ ब्लैक कलर का। मैं आरजीबी वैल्यू देता हूँ, एक थोड़ा सा ओपेसिटी भी दे पाए तो। सॉरी, तो है रेड हो गया 0, ग्रीन हो गया 0, ब्लू हो गया आपका 0, और इसका ओपेसिटी जो है 70% दे देते हैं। ये थोड़ा सा मतलब ट्रांसपेरेंट ब्लैक टाइप का लगेगा। अच्छा, और पैडिंग थोड़ा दे देते हैं इनका। पैडिंग ऊपर नीचे 11 पिक्सल दे देते हैं और साइड में इसका 17 पिक्सल दे देते हैं। चलो अभी देखते हैं कैसा आता है। यह हम लोगों का पीछे बटन आ गया। तो ये है हम लोगों का बटन। ओके, बटन आ गया। चलो बटन कंटेनर का मार्जिन थोड़ा दे देते हैं। मार्जिन मार्जिन बॉटम थोड़ा दे देते हैं। मार्जिन बॉटम इसका 40 पिक्सल दे देते हैं। ओके, तो मतलब थोड़ा यहाँ पे फासला हो गया। अच्छा, इसको थोड़ा और थोड़ा सा स्टाइलाइज कर देते हैं ताकि थोड़ा सा और अच्छा दिखे। तो इसको बॉर्डर रेडियस थोड़ा दे देते हैं। बॉर्डर रेडियस का थोड़ा दे देते हैं 5 पिक्सल का। अच्छा, इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। इसका कलर ये दे देता हूँ। डोंट वरी, सबको डाउनलोड मेरा गिटहब रिपोजिटरी से मिल जाएगा। और इनका कलर वाइट कर देते हैं। कलर ओके, सो ये हम लोग का बटन हो गया। अभी बहुत सारा बहुत कुछ कर सकते हो, CSS देके शैडो वैडो दे सकते हो, बटन स्टाइलाइज्ड कर सकते हो, लेकिन वो हम लोग का काम नहीं है। वो सिर्फ सिंपल CSS है। मैं यहाँ पे एज अ इनफाइनाइट स्क्रॉल दिखाऊंगा, तो सेव करते हैं। तो हो गया हम लोगों का बटन, ठीक है। ओके, ना अभी हम लोगों को
दो 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 डेटा एट्रीब्यूट में पास करना पड़ेगा इस बटन में। तो एक्चुअली अगर आप लोग जेक्वेरी थोड़ा बहुत किए हो तो आप लोगों को पता होगा कि डेटा एट्रीब्यूट से आप कुछ भी पास करा सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक डेटा एट्रीब्यूट ले दूँ, डेटा पेज बोल के, डेटा पेज इज इक्वल टू 1। इसका मतलब मैं ये करूँगा कि पहला ऑन होगा, इसके बाद जब क्लिक करेंगे तो डेटा पेज इज इक्वल टू ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये 1 के साथ और एक ऐड कर देगा, ये 2 हो जाएगा, ऐसा है। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पे करना होगा वो है डेटा यूआरएल। मतलब जो डेटा है, ये जो डेटा यूआरएल है, मतलब ये यहाँ से लेके वो कहाँ पे लेके जाएगा, ये तो यहाँ पे तो फॉर्म नहीं है जो हम लोग एक्शन दे सकते हैं, या फिर यहाँ पे देख भी फायदा नहीं है। तो वर्डप्रेस में अगर आप एजक्स लेके काम करोगे तो आपको एजक्स यूआरएल कॉल करना पड़ेगा, वही है यहाँ का डेटा यूआरएल। ठीक है, ये थोड़ा सा वर्डप्रेस का एडवांस है, लेकिन अगर ठीक से समझोगे तो ये इजी है। डेटा यूआरएल इज इक्वल टू, मैं अपना पीएचपी स्टार्ट करता हूँ, बंद कर देता हूँ, और यहाँ पे एजेक्स यूआरएल एको करते हैं, एको एडमिन यूआरएल। एडमिन यूआरएल जो है एडमिन का यूआरएल प्रिंट करता है, और एडमिन यूआरएल में उसके अंदर लिख देते हैं एजेक्स यूआरएल। एजेक्स यूआरएल जो जो फाइल में है, अगर आप अपना वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन में जाते हो तो अगर यहाँ पे एडमिन में जाते हो तो देखना यहाँ पे एक फाइल है, एडमिन एजैक्स बोल के, तो यही फाइल रेस्पॉन्सिबल है अपना अपना एजैक्स रिक्वेस्ट हैंडल करने के लिए। ठीक है ना, तो हम लोग इस फाइल का नाम दे देते हैं, कॉपी कर लेता हूँ इस फाइल का नाम, ओके, और ये दे देता हूँ। तो ये हो गया हम लोगों को एजैक्स यूआरएल। ठीक है, चलो अभी देखते हैं क्या आता है, रिलोड करता हूँ उनको। ये देख, हम लोगों का एजैक्स यूआरएल आ गया है यहाँ पे, यहाँ पे डेटा पेज दिए थे, डेटा पेज भी आ गया। अभी अभी हम लोगों को एक जेएस फाइल बनाना पड़ेगा, ये एजक्स से, मतलब यहाँ से डेटा लेके अपना एजक्स यूआरएल में देने के लिए। तो मैं अपना वर्डप्रेस थीम के अंदर जाता हूँ, ये है मेरा थीम 2016। तो अगर जेएस फाइल के अंदर जाके एक फाइल क्रिएट करता हूँ, लोड मोर डॉट डॉट जेएस, ओके। तो अरे तो ऐड तो कर दिए, लेकिन ये इसको तो इनक्यू करना पड़ेगा ना, तो फंक्शन में जाते हैं, फंक्शन ढूंढते हैं इनक्यू, यहाँ पे सारा अपना इनक्यू किया हुआ है, ये देखो इनक्यू स्टाइल, इनक्यू स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट सब कुछ किया हुआ है। तो यही एक कॉपी कर लेता हूँ, ये कॉपी कर लिया एक,
तो नीचे में जाके इसको इनकी नाम चेंज कर देता हूँ इसका। इसको नाम चेंज कर देता हूँ, नाम देता हूँ लोड मोर, लोड मोर गेट टेम्पलेट डायरेक्टरी URI लोड मोर डॉट जेएस। डिपेंडेंसी jQuery दे देते हैं क्योंकि jQuery के ऊपर डिपेंडेंट होगा। और यहाँ पे वर्जन नंबर आज का डेट देता हूँ 22 March 2016। कुछ भी दे सकते हो, मैं जब वर्ष नंबर देना होता तब मैं ऐसे डेट दे देता हूँ। ओके, अभी ये लोड मोर फंक्शन के अंदर एक फंक्शन लिखते हैं डॉक्यूमेंट रेडी jQuery। आप लोगों को पता ही है होगा कि आप वर्डप्रेस में जब jQuery लिखते हो तो नो कॉन्फ्लिक्ट मोड में आपको लिखना पड़ता है, मतलब आप डॉलर साइन नहीं दे सकते हो, दे सकते हो लेकिन पहले आपको jQuery डिफाइन करना होगा। jQuery डॉक्यूमेंट तो डॉक्यूमेंट जब रेडी होगा तब जाके एक फंक्शन स्टार्ट होगा, एक फंक्शन स्टार्ट होगा और उसके अंदर हम लोग अपना काम करेंगे। तो ये हो गया हम लोग का डॉक्यूमेंट रेडी। इससे पहले कि ये लोड ठीक से हुआ है कि नहीं, मतलब स्टाइल NQ ठीक से हुआ है कि नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं इनकी हुआ है कि नहीं स्टाइल। अगर मैं कंसोल, अगर मैं रिसोर्सेज में जाता हूँ जाऊँ तो यहाँ पे स्क्रिप्ट के अंदर जाऊँ तो ऑब्वियसली लोड मोर तो आ जाना चाहिए। ये है आ गया हम लोगों का लोड मोर। ओके ठीक है, इसका मतलब काम कर रहा है ठीक से। इसके बाद हम लोगों को इसके अंदर और एक चीज़ करना होगा कि हम लोग जब इस बटन पे, जो बटन क्रिएट किए थे उस बटन में जब क्लिक करेंगे तब एक फंक्शन स्टार्ट होगा। ओके, इसके अंदर डॉलर वेरिएबल ले लेते हैं डॉक्यूमेंट, ऑन क्लिक, क्लिक क्लिक होगा सिर्फ, कौन कहाँ पे क्लिक होगा, ये जो हम लोग बटन बनाए थे बटन में क्लिक होगा। तो बटन में एक क्लास दिए थे हम लोग, तो ये है इस पे अगर क्लिक होगा तो हम लोग कुछ फंक्शन, तो इस बटन पे जब क्लिक होगा तब एक फंक्शन स्टार्ट होगा ठीक है ना। पहले ये जो सिलेक्टर है इसको वेरिएबल में ले लेते हैं ठीक है ना। तो सॉरी भर दैट बोल के,
और दैट इज इक्वल टू डॉलर इसके अंदर दिस, ठीक है, मतलब इस ये वेरिएबल इसको सिलेक्ट कर रहा है, ठीक है, और कुछ नहीं। अच्छा इस बार भार पेज कौन सा पेज में, यहाँ पे हम लोग डेटा एट्रीब्यूट्स लिए थे ना, अगर आप लोग जाओगे तो यहाँ पे डेटा एट्रीब्यूट्स में लिए थे डेटा पेज इज इक्वल टू 1, तो वही करने जा रहे हैं हम लोग, उसको सिलेक्ट करते हैं भार पेज इज इक्वल टू ओ यहाँ पे तो ले लिए दिस को, तो हम लोग दैट में ले लिए, तो दैट डेटा पेज ओके। अभी हम लोग कंसोल में जाके अगर चेक करना चाहते हैं कि ये ठीक ठाक सिलेक्ट हुआ है कि नहीं, कंसोल में जाके हम लोग चेक करते हैं, तो इसका कंसोल लॉग करके देखते हैं, कंसोल लॉग में इसको प्रिंट करके देखते हैं। इस पेज वेरिएबल को जाऊँ कंसोल लॉग में, इस पे अगर क्लिक करूँ तो देखो डेटा पेज इज इक्वल टू 1 दिखा रहा है, ठीक है ना, ये देखो डेटा पेज इज इक्वल टू 1 आ रहा है, चलो इसको हम हैश कर देते हैं। इनका जो लिंक है ना HRF का, तो डामी लिंक दे देते हैं, उसको क्लिक करूं तो देखो ऐसे 1 आ गया ना, तो मतलब ठीक ठाक सिलेक्ट हो रहा है। चलो ये तो हो गया, इसके अंदर और एक वेरिएबल लेते हैं जिसमें हम लोग URL सिलेक्ट करेंगे, तो है URL, चलो इसका नाम Ajax URL ले, Ajax URL is equal to that data URL, ठीक है ना, कंसोल लॉग में अगर जाके ये भी चेक करते हैं Ajax URL ठीक ठाक आ रहा है कि नहीं, तो हम लोग चेक कर सकते हैं। चलो कंसोल लॉग में गया, ये अपना पेज रिफ्रेश किया, ये मैं अपना बटन पे क्लिक किया तो ये Ajax URL आ गया, तो मतलब काम कर रहा है। यहाँ पे और एक बात, ये जो पेज है ना, पेज तो 1 है ना, तो अगर इस पेज को हम लोगों को इंक्रीमेंट करना होगा ना, ताकि नेक्स्ट पेज में जा पाए ये पेज, तो यहाँ पे और एक वेरिएबल ले देते हैं, तो वेरिएबल का नाम दे देते हैं न्यू पेज इज इक्वल टू पेज प्लस पेज प्लस 1, जो भी पेज होगा उससे उसके बाद 1 बढ़ता रहे, ये न्यू पेज हो गया। तो ये हम लोग का पेज था जो कि हम लोग 1 सिलेक्ट किए थे वहाँ पे, उसके साथ और एक जुड़ जाएगा, फिर एक बार जो क्लिक करेंगे और एक जुड़ जाएगा, तो ऐसे होगा, ठीक है ना, तो ये हो गया। अभी हम लोग को Ajax कॉल करना पड़ेगा।
के अंदर उन लोगों को वो सब जो सब डेटा दिए थे वो सब एक एक के बाद एक यहाँ पे ग्रैब करना होगा। तो URL कौन सा URL होगा? तो हम लोग URL तो दिए थे Ajax URL। उसके बाद तो इसको थोड़ा इंडेंट कर देता हूँ, थोड़ा ठीक थी। ओके Ajax URL हो गया। फिर इसका टाइप देना पड़ेगा, टाइप होगा कौन सा मेथड। अगर PHP फॉर्म वैलिडेशन किए हो गए तो आपको पता होगा कि दो टाइप का होता है, एक गेट गेट और एक होता है पोस्ट। गेट ज़्यादातर यूज़ नहीं होता है, अगर गेट यूज़ करोगे तो आपका जो इनपुट वैल्यू है वो आपका URL के साथ अपेंड हो जाएगा और वो जहाँ पे आप उस फॉर्म को सेंड करना चाहते हो वहाँ तक जाएगा। और पोस्ट में है कि आप पोस्ट वेरिएबल के थ्रू मतलब अंदर से बाय हिडन वो आप जहाँ पे अपना फॉर्म सबमिट करना चाहते हो वहाँ तक चला जाएगा। तो ज़्यादातर पोस्ट ही यूज़ होता है, गेट यूज़ नहीं होता है, बहुत ही कम यूज़ होता है अगर कहीं उस टाइप का ज़रूरत पड़े तो। तो ये हो गया मतलब मेथड पोस्ट। ओके ना अभी डेटा, तो कौन कौन सा डेटा हम लोग यहाँ पे लेंगे। डेटा इसके अंदर कमांड दे देता हूँ पहले तक नहीं लाइक इसके बाद भी लिखना हो तो। पेज डेटा हम लोग लेंगे यहाँ पे, पेज इक्वल टू पेज। ओके इसके बाद ये डेटा कहाँ पे लेके जाएंगे हम लोग, इसके लिए एक्शन देना होगा। एक्शन तो ये एक्शन दे देते हैं, एक्शन ये एक्शन जो होगा वो एक हम लोग फंक्शन बनाएंगे, एक फंक्शन के थ्रू हम लोग ग्रैब करेंगे। तो उस फंक्शन का नाम दे देते हैं, उस फंक्शन का नाम देते हैं आवर लोड मोर फंक्शन। लोड मोर फंक्शन ओके सेव करते हैं। ओके इसके बाद हम लोग को अगर एरर हो हुआ कुछ तो उसके लिए भी एक फंक्शन बना देते हैं, एरर फंक्शन। जब एरर होगा तब एक फंक्शन स्टार्ट होगा। और उस फंक्शन के अंदर हम लोग कंसोल लॉग में कुछ प्रिंट कर देंगे। कंसोल लॉग में एक्चुअली आप लोगों को पता होगा कि जेरर ऑटो है, मतलब जे को Ajax ऑटोमेटिकली एरर का रिस्पांस दे देता है। उनका एक ग्लोबल वेरिएबल है रिस्पांस करके, तो वो वेरिएबल यहाँ पे ले लेते हैं, वही अच्छा होगा रिस्पांस। यह रिस्पांस वेरिएबल ले ले बोला ग्लोबल वेरिएबल, तो वही रिस्पांस को हम लोग कंसोल लॉग में पिन कर देते हैं अगर कुछ एरर होगा तो। अगर सक्सेस होगा तो भी हम लोग कुछ करेंगे। सक्सेस होगा तो हम लोग एक फंक्शन करेंगे, तो उसके अंदर अपना रिस्पॉन्स ग्लोबल जो वेरिएबल है जी Ajax का वो ले लेंगे। और पेज को जो पेज है ना उस पेज को हम लोग इंक्रीमेंट कर देंगे, सो दैट
इधर डेटा के अंदर पेज ले लेते हैं और यहाँ पे जो न्यू और उनको न्यू पेज से इंक्रीमेंट कर दिए। यहाँ पे अगर देखोगे तो न्यू पेज हम एक इंक्रीमेंट कर दिए, एक बढ़ा दिए, तो ये न्यू पेज से इंक्रीमेंट कर दिया। और एक चीज़ करेंगे कि इसके अंदर अगर सक्सेस हो गया, सक्सेस हो गया तो इसके अंदर ये जो मेन हम लोग कंटेंट एरिया है उसके अंदर तो और एक पोस्ट ले आना होगा ना, तो उस पोस्ट को हम लोग इस मेन के अंदर हम लोग अपेंड कर देंगे, ठीक है ना। मेन के अंदर हम लोग अपेंड कर देंगे। तो यहाँ पे और एक क्लास ले लेता हूँ, अपेंड, अच्छा पोस्ट कंटेनर बोल के, पोस्ट माय पोस्ट कंटेनर ले लेते, माय पोस्ट कंटेनर, ओके। इस क्लास को कॉपी कर लेते हैं और ये हो गया हम लोगों का क्लास सिलेक्टर हो गया, और उसके साथ एक कुछ अपेंड कर देते हैं। अपेंड कर देते हैं, क्या अपेंड करते हैं, रिस्पॉन्स। ये ग्लोबल वेरिएबल है, इसके अंदर ही तो हम लोग का जो अपेंड करना होगा वो रहेगा ना, इसको सर इसको अपेंड कर देते हैं, ओके। तो ये हो गया हम लोग का जेक्वेरी का काम। अभी हम लोग ये जो फंक्शन किए थे ये फंक्शन बनाना पड़ेगा हम लोगों को। तो ये बनाने के लिए मैं एक दूसरा फाइल बनाता हूँ, ये जो यहाँ पे इंक्लूड है, फाइल बना लेता हूँ ajax.php बोल के, ajax.php। तो यहाँ पे मैं php शुरू कर देता हूँ, ये हो गया फंक्शन। तो अभी इस फंक्शन को एक जगह हम लोग को हुक करना पड़ेगा काम करने के लिए, तो इसका हुक कराते हैं इनको। तो एक होगा लॉग्ड इन यूज़र के लिए हुक कराना होगा, एक है नॉट लॉग्ड इन यूज़र के लिए हुक कराना होगा। तो नॉट लॉग्ड इन यूज़र के लिए जो हुक का नाम है वो होगा WP Ajax no prep, no prep। उसके बाद underscores देके आपका जो फंक्शन है उस फंक्शन का नाम, और as usual उसके बाद आपका फंक्शन का नाम हो जाएगा। फंक्शन नाम, और एक बनाना होगा हम लोगों को लॉग्ड इन यूजर के लिए। तो लॉग्ड इन यूजर के लिए सिंपल है, ये सिर्फ नो प्रीफ इसको हटा देना होगा आपको, हो गया। तब इसके अंदर हम लोग जो करना होगा वो करेंगे। तो इसके अंदर हम लोग एक्चुअली क्या करना है, अगर ठीक से आप सोचोगे क्या करना होगा, तो इसके अंदर हम लोग को वही जो क्वेरी हो रहा है तो उन क्वेरी को एक बार अपडेट कर देना होगा ना, कि पहले ये क्वेरी था, हम लोग अभी
ये क्लिक करेंगे तो मतलब ये दूसरा पेज का भी डेटा यहाँ पे शो करे। तो उसके लिए हम लोग पहले एक पेज वेरिएबल लेते हैं, पेज इज इक्वल टू, अगर अब लोगों को पता होगा कि एजैक्स मेथड, हम लोग जो मेथड कॉल किए थे पोस्ट मेथड, पोस्ट मेथड में हम लोग को पीएचपी की तरफ से ग्लोबल वेरिएबल मिलता है जो डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, उनके उनके अंदर सारा डेटा आता है एरे के हिसाब से। तो जो एरे की था हम लोग क्या था, हम लोग क्या था, पेज था ना, पेज। और इस पेज को काम कराने के लिए इसके साथ और एक एक बढ़ा देते हैं, उसके बाद हम लोग एक नया क्वेरी करेंगे, अपडेट करना होगा ना, क्वेरी इज इक्वल टू न्यू डब्ल्यू पी सॉरी क्वेरी का क्यू बड़ा होगा, डब्ल्यू पी क्वेरी। तो इसके अंदर हम लोग बहुत ज़्यादा कुछ आर्गुमेंट नहीं लिखेंगे, सो इसके अंदर ही मैं कर देता हूँ ओके ओके। पोस्ट टाइप क्या होगा, पोस्ट ना, पोस्ट टाइप जो है पोस्ट टाइप इज इक्वल टू पोस्ट कमा देते हैं। इसके बाद पेज होगा, हम लोग का जो न्यू पेज था ना वो होगा पेज, तो पेज पेज इज इक्वल टू ए। उसके बाद हम लोग अगर यही जो हम लोगों का ये जो हम लोगों का क्वेरी है इसको तो अपडेट करना होगा ना, तो हम एक क्वेरी को कॉपी कर लेते हैं, कॉपी क्वेरी के अंदर जब पोस्ट होगा तो लोग काम करेंगे। इसके अंदर कुछ इफ था क्या, एक सेकंड चेक करते हैं वहाँ पे, अच्छे से देखते हैं क्या है। ओके ठीक है। और एक बात हमेशा याद रखना, जब भी आप मतलब पोस्ट डेटा को अपडेट करें तो आपको एक रिसेट पोस्ट डेटा फंक्शन देना पड़ता है ताकि ठीक से काम करे। डब्ल्यू पी रिसेट रिसेट पोस्ट डेटा ये हो गया। इसके बाद हर बार आपका एजक्स फंक्शन जब
कॉल करते हो एजेक्स का फंक्शन, उसके बाद आपको डाई करना होता है वो एजेक्स फंक्शन। तो ये एजेक्स फंक्शन डाई का ये हो गया। अभी इस फंक्शन को हम लोगों का फंक्शन डॉट पीएचपी में जोड़ना होगा। ओके, ये है हम लोगों का फंक्शन डॉट पीएचपी। तो इसके अंदर जाके मैं कहीं इनको जोड़ देता हूँ इंक्लूड वांस करके। आईएनसी के अंदर सेव करते हैं इनको। क्लिक करते हैं इनको एक बार, अभी देखते हैं काम करता है कि नहीं। यह है हमारा, यह है मेरा दो पोस्ट। इसको अगर क्लिक करते हैं तो और एक पोस्ट आ जाना चाहिए नीचे, देखो और दो पोस्ट आ गया, क्योंकि हम लोग दो पोस्ट सिलेक्ट किए थे। ठीक है, तो अगर चेक करने के लिए अगर इसे हम पर पेज ऑन कर देते हैं, सेव करते हैं, इनको रिलोड करते हैं, तो देखना क्लिक करने के बाद और एक पोस्ट शो करेगा। ये तो वर्डप्रेस का इनबिल्ट है, ये सब जो 1, 2, 3, 4 दिख रहे हैं वो सब वर्डप्रेस का मतलब 2016 थीम का उन लोग का अपना है पेजिनेशन। हम लोग अपना एजेक्स बनाए। तो अगर मैं इसमें और एक बार क्लिक करूँगा तो और एक पोस्ट यहाँ पे शो करेगा, देखा। तो ये हो गया एजेक्स, तो ये हो गया हम लोग एजेक्स पेजिनेशन। ठीक है ना, अभी तो ये फिलहाल ठीक ठाक नहीं काम कर रहा है, यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ जब ऊपर चला जा रहा है और मतलब और मतलब स्टाइलाइज इसका थोड़ा इतना ठीक नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में ये सब फिक्स्ड करेंगे। तो मेन जो काम था हम लोगों का वो हो गया, नेक्स्ट वीडियो में ये सब हम लोग फिक्स्ड करेंगे। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, ओके बाय।